फोर क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन फिगर 8.13 फाइंड टैन पी माइनस क्वार्टर। अब देखो जो एंगल फाइंड करना होता है दैट शुड बी हियर। क्वार्टर फाइंड करना है तो क्वार्टर के लिए क्वार्टर टैन का उल्टा होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो क्वार्टर हो गया बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब आपको बेस निकालना, बेस गिवन नहीं है, बेस है क्यू आर, पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का 144, अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5, तो क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इजी है, कॉट आर इससे आ गया बेस 5 है परपेंडिकुलर 12 है, तो कॉट आर आ गया 5/12। अब टेन पी निकालना, टेन पी निकालने के लिए पी इधर होना चाहिए, एंगल मीन्स पी बेस में होना चाहिए, साथ में क्यू पी 90 डिग्री है इसलिए इधर क्यू लेना पड़ेगा, इधर आर, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद क्यू आर 5 है, 5 लिख लिया, पी क्यू 12 गिवन ही है और पी आर 12 13 गिवन है। अब आपको टेन पी निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में टेन पी यू मॉन, सो टेन पी हो जाएगा इससे परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स 5/12, टेन पी की वैल्यू आ गई 5/12। सो टेन पी माइनस क्वार्टर, टेन पी की तरह से वैल्यू 5/12 सब्सिट्यूट कर दी, क्वार्टर की माइनस 5/12, 5/12 माइनस 5/12 इज 0, सो 0 इज द आंसर। थैंक यू।